हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल साहोस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा एंगुलर 15 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, जैसा कि सीरीज की पिछले वीडियो मैं टू वे डेटा बाइंडिंग के बारे में देखा, अच्छे से प्रैक्टिकल करके डिटेल्स में देखा, और आज जो वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, उसमें हम ये देखेंगे कि पाइप्स क्या होता है, पाइप्स का क्या कंसेप्ट है, क्यों यूज करते हैं और इसका क्या इफेक्ट होता है ब्राउजर में। इन सारे चीजों को हम विद प्रैक्टिकल देखेंगे, कितने टाइप का होता है पाइप, ये भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों पाइप क्या है कि जैसे किसी भी हमारे इनपुट डेटा को अपने डिजायर्ड आउटपुट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। मान लीजिए दोस्तों कि हमारे पास कोई इनपुट है और उसको हम चाहते हैं कि जब हमारा ये आउटपुट आए जो मतलब ब्राउजर पे डिस्प्ले हो तो किसी और फॉर्मेट में हो जो कि इनपुट में नहीं दिया गया है, राइट है। तो उसको हम ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम पाइप का यूज करते हैं। जैसे मान लो दोस्तों कि हमारा नेम है वो लोअर केस में है या कैमल केस में है, किसी भी केस में अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा डिस्प्ले करे ब्राउजर में तो अपर केस में हो जाए, राइट। तो वहां पर हम पाइप ऑपरेटर का यूज करते हैं, राइट। मींस कि यूजिंग द पाइप ऑपरेटर वी कैन अप्लाई द पाइप्स फीचर्स टू एनी ऑफ द प्रॉपर्टी इन आवर एंगुलर प्रोजेक्ट, राइट। मींस कि किसी भी डेटा को हम अपने डिजायर्ड आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम पाइप ऑपरेटर का यूज करते हैं। और पाइप का जो ऑपरेट सिंबल है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लगा रखा है, ये सिंबल है, इसी को हम यूज करते हैं। मींस कि दोस्तों बहुत बेनिफिट होता है पाइप यूज करके। हमारे पास मान लीजिए यूजर किसी भी फॉर्मेट में कोई डेटा इनपुट कर रहा है, हम चाहते हैं कि उसको अपने अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करके डेटाबेस में सेव करें या फिर डिस्प्ले कराएं, तो वहां पर हम पाइप ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं। या फिर हमारा हम चाहते हैं कि दोस्तों हम टेक्स्ट बॉक्स में किसी यूजर से हम कोई डेटा इनपुट करा रहे हैं जो कि हमारा नंबर में है, और उसको हम चाहते हैं कि जब डिस्प्ले कराएं या हम सेव कराएं तो डॉलर में सेव कराएं या फिर रुपीज में या किसी करेंसी में, इस तरीके से उसको हम कन्वर्ट करने के लिए पाइप यूज करते हैं। या फिर हम चाहते हैं दोस्तों कि कोई यूजर अपना कोई नेम या एड्रेस या कोई भी ईमेल आईडी कुछ भी इंटर कर रहा है, किसी भी केस में इंटर कर रहा है, तो हम चाहते हैं कि जब हमारे डेटाबेस में सेव हो या फिर आउटपुट हमारे ब्राउजर में दिखे तो अपर केस में या लोअर केस में दिखे, तो वहां पे हम पाइप का यूज कर लेते हैं। मीन्स कि अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट के लिए ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम पाइप का यूज करते हैं, राइट। मीन्स कि दोस्तों पाइप इन एंगुलर आर यूज टू ट्रांसफॉर्म द डेटा बिफोर डिस्प्लेइंग इट इन ए ब्राउजर, राइट। मीन्स कि डिस्प्ले होने से पहले इसको हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं पाइप का यूज करके, राइट। एंगुलर प्रोवाइड्स ए लॉट्स ऑफ बिल्ट इन पाइप टू ट्रांसलेट द डेटा बिफोर डिस्प्लेइंग इट इन टू द ब्राउजर, एंड एज वी नो एंगुलर लेट्स वी अस एग्जीक्यूट इट्स फीचर्स, वी कैन इवन क्रिएट कस्टम पाइप इन एंगुलर, राइट। मींस दोस्तों कि हमारे पास एंगुलर में बहुत सारे बिल्ट इन पाइप्स हैं जिसका डिस्कस हम इस वीडियो में करेंगे, और हम अपने अकॉर्डिंग कस्टम कस्टम पाइप्स भी बना सकते हैं, राइट। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में एक एज ए इमेज ले रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे पासवर्ड पास किया है PASS@123, और यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है स्ट्रिक 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 इस तरीके से स्टार स्टार बन के आ रहा है। मीन्स कि यहाँ पर हमने बीच में पाइप अप्लाई कर दिया, मीन्स कि हम इनपुट कुछ भी दे रहे हैं और अपने अकॉर्डिंग उसको ट्रांसफॉर्म करके कुछ और दिखा रहे हैं, राइट। मीन्स कि वहाँ पर हम पाइप यूज करेंगे, राइट। यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं 100 हमने पास किया और नीचे हमारे डॉलर में आ रहा है, यहाँ पर 100.00 इसे जो भी करेंसी आ रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट। मींस कि हम यहाँ पर पाइप का यूज करके इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं, राइट। बात आती है दोस्तों कि इसका सिंटेक्स क्या होता है। जैसे मान लो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनपुट को हमने एज ए फिल्टर किया और फाइनल आउटपुट दे दिया। तो यहाँ पर दोस्तों मान लो टेस्ट हमने यहाँ पर दिया जो कि टी कैपिटल है और बाकी सारे स्मॉल में है, राइट। और यहाँ पर हमने पाइप का ऑपरेटर लगा दिया और यहाँ पर अपर केस कर दिया, ठीक। तो यहाँ पर जो भी बाइंड होगा तो टेस्ट बाइंड होगा TEST जो कि अपर केस में होगा टोटल, राइट। तो ये हमारा लिखने का सिंटेक्स हुआ। मींस कि हम कहीं भी पाइप कैसे यूज करते हैं, डाटा के बाद पाइप का ऑपरेटर रहते हैं, उसके बाद हम जो हमें एक्सप्रेशन देना होता है जिसमें कन्वर्ट करना होता है उसको पास कर देते हैं, राइट। तो बात आती है दोस्तों कि कितने टाइप्स के होते हैं पाइप्स।
तो दोस्तों पाइप पहली बात तो होता है एक बिल्ट इन पाइप्स होता है जो कि हमारा एंगुलर ऑलरेडी प्रोवाइड करता है, राइट। और अगला होता है दोस्तों कस्टम पाइप्स। बिल्ट इन पाइप्स अगेन दो पार्ट में होता है, एक पैरामीटराइज पाइप होता है और एक चेनिंग पाइप होता है। दोस्तों इन जितने भी पाइप्स होते हैं उसके बारे में एक एक करके हम आगे आने वाले वीडियोज में डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल करते जाएंगे और कस्टम पाइप भी बनाना देखेंगे आगे। तो दोस्तों चलिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि बिल्ट इन पाइप्स में हम कैसे यूज करते हैं, छोटा सा एग्जांपल करके देखेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। फिर आगे आने वाले वीडियोज में हम पैरामीटराइज, चेनिंग, अलग अलग तरीके से पाइप का यूज करके देखेंगे जिससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ और यूज करके देखते हैं कि पाइप क्या होता है, राइट। तो दोस्तों ये है प्रोजेक्ट जहां पर हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों कि हम डेटा बना लेते हैं एम्प्लॉयज का, उसको हम व्यू पेज पर बाइंड करेंगे और वहां पर अलग अलग तरीके से हम पाइप अप्लाई करके देखेंगे इस डेटा पर। तो सबसे पहले दोस्तों हम एम्प्लॉयज का कुछ डेटा बना लेते हैं, राइट। एम्प्लॉयज और इसको हम ले लेते हैं एनी टाइप का और इसमें हम एज ए एरे लेंगे और इसमें हम डेटा असाइन कर लेंगे, राइट। यहाँ पर हम डेटा असाइन कर लेंगे और यहाँ पर मान लो दोस्तों हमने ले लिया कोड और हम मान लो दोस्तों हमने EMP001 एक कोड हो गया कॉमा, उसके बाद हमने नेम ले लिया, नेम में हमने डाल दिया दोस्तों चंदन, राइट। उसके बाद हमने सैलरी ले लिया, यहाँ पर हम मान लो दोस्तों कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ले लिया, राइट। यहाँ पर हमने कुछ भी, कुछ भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने कॉमा लगाया और एक हमने इसको कॉपी किया और मल्टीपल डेटा बना लेते हैं यहाँ पर, राइट। यहाँ पर हम क्या करेंगे पेस्ट करते जाएंगे 2 3 4 5, इस तरीके से डेटा हमने बना लिया, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग ताकि अलग अलग डेटा दिखे। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको हम राहुल कर लेंगे, यहाँ भी हम कर लेंगे कुछ चेंज कर लेंगे, यहाँ भी चेंज, डेट ऑफ बर्थ में भी कुछ चेंज कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हम 3 कर लेते हैं, यहाँ पर 4, यहाँ 5 कर लेते हैं। उसके बाद सारे डेटा को चेंज कर लेते हैं एक बार, राइट। और इसमें भी चेंज करते हैं, राइट। ये एक डेटा बन गया दोस्तों, राइट। डेट ऑफ बर्थ भी आप अलग अलग रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो भी हो आपका, राइट। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं इसको व्यू पेज पर बाइंड कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि तो दोस्तों यहाँ पर हम एक टेबल ले लेते हैं, फिर उसके बाद टी आर लेंगे, फिर उसके बाद हम टी एच हेडिंग बना लेते हैं इसका कॉलम का और यहाँ पर हमने लिख लिया EMP कोड, फिर उसके बाद हम एक और टी एच लेते हैं और इसमें हमने लिखा EMP नेम, राइट। और इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर और इसको हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं सैलरी, राइट। उसके बाद नीचे पेस्ट करके और यहाँ पर हम लिख लेते हैं डेट ऑफ बर्थ, राइट। तो ये हो गया हमारा डेटा। उसके बाद हम डेटा को बाइंड कर लेंगे यहाँ, तभी यहाँ पर होगा हमारा एक और टी आर लेंगे और यहाँ पर इसमें हम NG4 लगा लेंगे, स्टार NG4। इसमें हम लेते हैं लेट कीवर्ड यूज करते हैं, आपको जैसा कि पता है लेट इम्प्लॉय ऑफ इम्प्लॉयज, राइट। ये इम्प्लॉयज हमारा ये एरे आ रहा है यहाँ से, राइट। ये इम्प्लॉयज जो हमारा है ये आ रहा है वहाँ पर, राइट। उसके बाद दोस्तों हम इसमें TD में बाइंड करते जाएंगे, TD में बाइंड करेंगे यहाँ पर इंटरपोलेशन के थ्रू, राइट। यहाँ पर लेंगे हम
एम्प्लॉई डॉट कोड, राइट, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये नेम के लिए हो जाएगा, ये सैलरी के लिए, और ये डेट ऑफ बर्थ के लिए, राइट। और यहाँ पर हम चेंज करते जाएंगे, यहाँ पर हम नेम रख लेंगे, इसके बाद हम यहाँ रख लेंगे डॉट सैलरी, उसके बाद यहाँ पर हम लिख लेंगे डेट ऑफ बर्थ DUB, राइट। इसको अब सेव करेंगे और ब्राउजर में देखेंगे दोस्तों ऐसा इफेक्ट। अभी हमने कोई पाइप अप्लाई नहीं किया है, तो सिंपल डेटा हमें दिखेगा। अब यहाँ पर क्या करें दोस्तों, यहाँ पर बॉर्डर असाइन कर लेते हैं ताकि हमें डेटा टेबल में अच्छे से दिखे, राइट। तो अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम ब्राउजर में देखेंगे, राइट। अभी हमारा डेटा विदाउट पाइप का दिखेगा, कहीं भी कोई हमने पाइप नहीं अप्लाई किया, जैसा हमने डेटा डाल रखा वैसा ही दिखेगा। जब हम पाइप अप्लाई करेंगे एक एक करके, तब तो आपका उसका इफेक्ट दिखेगा, राइट। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं डेटा हमारा बाइंड हो चुका है टेबल में, एम्प्लॉय EMP कोड, EMP नेम, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा डेटा आ गया है, राइट। तो इसमें अब हम पाइप अप्लाई करेंगे, इसको हम अपर केस करके देख सकते हैं, या फिर इसमें हम करेंसी का यूज करके देख सकते हैं पाइप में। तो चलिए एक एक करके अलग अलग तरीके से पाइप का यूज करके देखते हैं हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में, अप्लाई करते हैं पाइप। तो दोस्तों आप क्या करते हैं, हम पाइप अप्लाई करके देख लेते हैं दोस्तों। जैसा कि हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इम्प्लॉय का नेम था, इस तरीके से जैसा हमने लिखा है, राइट, कि सी कैपिटल, CHN, चंदन लिखा हुआ, राहुल, इस तरीके से लिखा हुआ है। हम चाहते हैं कि सारा अपर केस में आ जाए, तो यहाँ पर हम पाइप अप्लाई कर देंगे यहाँ पर इम्प्लॉय नेम पर, राइट। तो यहाँ पर पाइप का जो ऑपरेटर होता है इसको लिखेंगे, उसके बाद अपर केस लिख देंगे, राइट। तो जैसे ही इसको सेव करेंगे दोस्तों, हमारा ब्राउजर में अपर केस में आ जाएगा, मींस कि हमने इस पार्टिकुलर इंप्लॉय नेम पर हमने एक पाइप अप्लाई कर दिया, कि मींस जितने भी इंप्लॉय का नेम होगा सबको ये अपर केस में कर देगा। तो चलिए ब्राउजर में दिखाता हूँ इसको। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो नेम है ये अपर केस में आ गया, राइट, ये जो नेम आ रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पाइप अप्लाई करके देखा इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों अलग अलग तरीके से हम, जैसे हमारा यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, जो डेट ऑफ बर्थ आ रहा है इसमें भी हम पाइप अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग तरीके, इसका अलग अलग डेट का फॉर्मेट होता है, उस पर पाइप अप्लाई कर सकते हैं, करेंसी पर कर सकते हैं। दोस्तों अगर सारा एग्जाम्पल इसी वीडियो ट्यूटोरियल में करने लगेंगे तो वीडियो लंबा खिंच जाएगा, इसलिए हम अगले आने वाले वीडियोज में हम देखेंगे अलग अलग तरीके से पाइप का एग्जाम्पल। तो दोस्तों अगला जो वीडियो होगा उसमें पैरामीटराइज पाइप भी यूज करके देखेंगे कि हम कैसे पैरामीटर पास कर सकते हैं अपने पाइप के अंदर, कैसे यूज होता है पाइप का, क्लासिफिकेशन क्या है, कितने टाइप का होता है, और क्या कंसेप्ट होता है पाइप का, उसका हमने छोटा सा एग्जाम्पल भी करके देखा इस वीडियो ट्यूटोरियल में, और आगे हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में और भी एग्जाम्पल करके देखेंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और लोगों में शेयर करिए ताकि सबको देखने को मिले, जिससे कि हमारा मनोबल और भी बढ़ता है और हम नए नए वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।